तो सभी का सभी को दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है और आपको यहाँ पे आज जो मिलेगा उसको अच्छे से लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अच्छे से लेंगे तो मुझको लगता है आपको एक ऐसी चीज मिलेगी और ऐसी चीज दिखेगी जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कुछ एक नया अलग होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी और सारी चीजें उसके बाद ही आप लोग पूछ सकते हैं, बात करेंगे हम लोग। तो जरूर हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने के। और इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए अब मैं अपने दोनों स्पीकर को बुलाने की सबको चाहता हूँ कि उनको चैट बॉक्स में टाइम वेस्ट ना हो, चैट बॉक्स में उनका वेलकम करें। हमारे आज के दो टॉप स्पीकर हैं शिखा मैम और सुशील श्रीवास्तव जी, तो वेलकम है आप दोनों का। और जिन लोगों के पास भी जरूरत इवनिंग के अपने पास में रखिएगा ताकि आपको एक कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर वीडियो क्लियर है? थैंक यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर आपका वीडियो, आप मस्त लग रहे हैं, झकास। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। सबको पता है कि शिखा मैम मेरी छोटी बहन है और मेरी अपलाइन भी है। और आज जब से एटमी जुड़ने के बाद शिखा मैम का कई बार हम लोग का मिलना हुआ है, किसी ना किसी क्षेत्र में कभी ना कभी हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस बार शिखा का पता नहीं क्यों अंदर से अपलाइन मेरे घर पे आई है। ये फीलिंग बहुत ज्यादा मेरे को है, छोटी बहन ही तो अपलाइन, तो मेरा वो भी तरीका रहा। तो हम लोग दोनों मिलके सोचे कि, और इसमें नो डाउट इस प्लानिंग में मीना सर का और डॉक्टर कुमार सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि जब दोनों लोग हम मिल ही रहे हैं तो इसको कुछ ऐसा बनाया जाए कि एकदम सब कुछ बढ़िया हो। तो इवनिंग केयर पे कई प्रश्न आया करता था ग्रुप में, तो हम लोग यही सोचे कि एक लाइव डेमो हो जाएगा और शिखा मैम लाइव डेमो करने वाली हैं इस थोबड़े पे, इस चेहरे पे। और दरअसल अभी जस्ट बात हो रहा था इनसे, इवन शिखा मैम का कहना है कि हाथ का मूवमेंट भी डिसाइड करता है कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो आज हम लोग वो भी करेंगे। इनकेस अगर आप सभी लोग अपने घर में भी अगर वैसा कुछ है तो वीडियो ऑन करके एक लाइव जैसे जैसे शिखा मैम करती जाएंगी वो हम लोग कर सकते हैं, तो ये अच्छा हो सकता है। और दूसरा कि सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे वाई एटोमी। सब लोग जानते हैं ज्वाइनिंग फ्री है, एक आईडी वर्ल्ड में काम करता है, लेकिन आज गवर्नमेंट के डेटा, भारत सरकार की डेटा के नजर से देखेंगे कि वाई एटोमी। और आज हम सबको एक आंसर मिलने वाला है कि अपने प्रोस्पेक्ट को क्या समझाएं और कि क्यों करना जरूरी है। भाई मजबूरी है, इसलिए वाई एटोमी हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो एकदम तहे दिल से शिखा मैम को हम वेलकम करते हैं। जय हिंद सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। जय हिंद मैम और थैंक यू। और आपने एक ये डिसीजन लिया और ये एक नया तरीका हमारा है आज। आज मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग कर सकते हैं प्लीज, जितने लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ, शिखा मैम के साथ और सुशील जी के साथ। अब हम लोग सब लोग लाइव, सब लोग वीडियो खोल के लाइव अपने ऊपर क्या करने के लिए रेडी हैं। मैं रेडी हूं दोस्तों, जो रेडी हैं कोई कंपल्सन नहीं है, वो कृपया करके कोशिश करें। वहां पे शिखा मैम सुशील जी के ऊपर ट्राई करेंगे और हम लोग अपने ऊपर ट्राई करें। तो ओवर टू यू शिखा मैम। थैंक यू सो मच सर, और आज सुशील सर फाइनली हाथ आ ही गए एकदम आज रगड़ दो इनको बस सर। ये हम लोगों का तो इवनिंग सेट है, मैं भी रेडी हूँ। ये फोन का ओके सेट आता है इस तरीके से। सीक्वेंस यहाँ पे जो है वो फोम क्लींजर है, पीलिंग जेल, पील मास्क और डीप क्लींजर। बट लगाने का तरीका जो हम लोगों होता है वो सबसे पहले डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, फिर पीलिंग जेल, देन पील ऑफ मास्क। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सुशील सर। फेस को कवर करने के लिए, चूंकि टॉनिक का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है,
तो बालों में वो जो जेल है और वो फिर मास्क जो है लगेगा, इसलिए सर के बाल को कवर कर दिया है। बिफोर का फोटो ले लीजिए। एक बिफोर का फोटो हम ले लेते हैं ना पहले, ताकि हम लोग अंतर देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट रहा है। मैंने पहले ले लिया है सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है फिर आपका नहीं, मैंने अपना लिया है। अच्छा तो मुझे करना होगा। करेक्ट। तो सब लोग ये जरूर करें। मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो कृपया करके आप लोग भी जो कर रहे हैं बिफोर का फोटो पहले ले लीजिए और फिर हम लोग आफ्टर का शेयर करेंगे सब लोग। तो पूनम मैम भी हमारे साथ हैं, पूनम शर्मा जी ऑलरेडी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। ग्रेट, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर एक सबसे पहले ये डीप क्लींजर है, क्वांटिटी ये रहेगी आपकी, अगर आप लोग को विजिबल हो रहा हो, दिस क्वांटिटी इज एनफ। ये चीज रहेगा और नोज के ऊपर ऊपर ऐसे करते हुए, क्योंकि जितने भी हम लोगों के जितने ब्लैक हेड्स होते हैं या व्हाइट हेड्स हो, वो सारी चीजों को, और क्योंकि जो हम लोगों का डीप क्लींजर है वो ऑयल बेस्ड होता है, जितना भी दिन भर का आपका आउटर एक्सपोजर का होगा, डर्ट होगा, पॉल्यूशन होगा, वो इसको अपने साथ रिमूव करके बाहर की ओर निकालने का काम करता है। जैसे आप पानी में ऑयल को डालते हैं तो ऑयल क्या करता है, फ्लोट कर जाता है। सिमिलरली हमारा जो भी डर्ट पॉल्यूशन वगैरह होगा वो इस डीप क्लींजर के साथ ऊपर की ओर आ जाता है। यहाँ पे मैंने गीला वेट टॉवल रखा है, आज सुशील जी का 500 रुपया बच रहा है है ना, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तब हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप फोम क्लींजर, सेम क्वांटिटी आपकी रहेगी, डीप क्लींजर कभी भी लगाएंगे तो वो झाग नहीं करता है ना। कुछ लोगों का सवाल होता था कि झाग नहीं हो रहा है, वो झाग नहीं करेगा। वो क्या करता है, उसका पहला काम यह है कि जो भी धूल धक्कड़ और पहले का कोई भी मेकअप है केमिकल वाला, वो उसको हटाता है। उसका काम ही है डीप क्लींज करना जो भी है, और जो भी हमारे चेहरे पे जो भी छेद होते हैं ना, पोर जो होते हैं कुछ भी, वो जब साफ हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं हर बार कि एटॉमी का सारा क्रीम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि सातवें लेयर तक, छठे लेयर तक जाके काम करता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ, 1 सेंटीमीटर को 4 लाख भागों में आप बांट दीजिए उसका एक पार्ट। स्किन की बात करें तो जो भी छेद है हमारा रोमा का, उससे 3 गुना छोटा पार्टिकल हमारा होता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो डीप क्लींजर के बाद ही अगला स्टेप होना चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग करेंगे और फिर वही नाक वाले हिस्से को, और जो ये हम लोग का चिन वाला हिस्सा होता है, क्योंकि मोस्टली जो भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का होता है ये इसी पे होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन, आंखों के पास नहीं करना होता है क्योंकि आंखों के पास का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, और क्योंकि वॉशरूम में हम अगर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लेदर और फोम आपको दिखेगा, बट यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी में पानी लेकर के सिर्फ वाइप करके सुशील सर को धो दें
थर्ड स्टेप हमारा पीलिंग जेल होगा, छोटे हेयर करने पे दिखेगा ये चीज। पीलिंग जेल जो होता है ये क्वांटिटी, हाँ ट्रांसपेरेंट है, जेल की तरह है, और इसका फायदा ये है कि ये अभी तक के फेशियल किट में ये आपका जो जेल है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है ये जेल के फॉर्म है, जो अभी तक नॉर्मली आप लोगों का थोड़ा सा मतलब ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता था, तो नॉर्मली हम लोग स्क्रबर जब करते हैं तो डेड स्किन रिमूवल के लिए करते हैं, लेकिन जेल फॉर्म में होने की वजह से ये हमारी स्किन को हार्म पहुंचाए बिना अच्छे से एक्सफोलिएशन का काम करता है। जितना भी आपका ब्लैक हेड्स होगा आपकी स्किन को फॉर्म करने का काम करेगा, स्किन को टाइटनिंग का काम करेगा एक्सफोलिएशन के लिए, वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी यहाँ पे। और जब हम पीलिंग जेल को यूज करते हैं और अगर हम बहुत जल्दी में होते हैं, मास्क लगाने का टाइम नहीं है, तो भी वो काफी एनफ होता है। आप खुद को उसको देख सकते हैं कि हमारा कितना टाइम बचता है और आप खुद की स्किन को फील करेंगे कि कितनी स्मूथ हो जाती है। और जितने लोग अभी हम लोग के साथ कर रहे हैं, मीना सर साथ साथ नहीं कर रहे, तो वो खुद इस चीज का रिजल्ट देखेंगे, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर। और ये पहली बार हो रहा है कि सुशील सर हैं लेकिन शांति से अपवर्ड, ये देखिए कान की तरफ आपका हाथ जाए ना, ऐसे कान की तरफ हाथ, गोलाई हमेशा एक ही स्टाइल में होना चाहिए, ऐसे इसको पूरा लगाना चाहिए। कभी भी अगर हम लोग वाइप्स का यूज कर रहे हैं तो फेस को कभी भी रगड़ के नहीं, सिंपली जेंटली आपको पीछे की ओर खींचते हुए उसको हटाना, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपनी स्किन को टॉर्चर करते हैं, जल्दीबाजी में हमने रगड़ना शुरू कर दिया, हमने अगर हटाना है किसी चीज को चाहे वो मेकअप रिमूवल हो या अभी जैसे हम लोग ये प्रोसेस को कर रहे हैं वाइप्स के संग, तो अगर हम जल्दीबाजी में करेंगे तो वो हमारी स्किन पर ही नुकसान करता है, फिर हमारी जो डीएजिंग की प्रोसेस होती है या हमारी रिंकल्स की प्रोसेस है, खास तौर से फेशियल करते समय जरूर ये ध्यान दिया जाता है कि कभी भी हाथों का जो मोशन हो वो बहुत प्रेसफुली नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट जेंटली। सुशील सर ने भी नोटिस किया होगा कि कितनी हाथ, अब वो अलग चीज है कि अंदर कुछ भी भरा पड़ा लेकिन हाथ सिंपल ही गया था। नहीं सेम है, मैं इसको यूज पहले भी किया था लेकिन इस ढंग से जो आप हाथ चलाई हैं ये मैं नाक से कभी ऐसे नहीं किया था, मैं ऐसे में करता था ये, तो ये ऊपर की तरफ करने से क्या होता है कि हम जब नाक के पोर्शन को पुल करते हैं ना तो ये जो ब्लैक हेड्स होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं, और डीप क्लींजर और फॉर्म क्लींजर के साथ जब हम जेल के साथ इसको वाइंड अप करते हैं ना तो वो जितना भी ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो सारे बाहर हो जाते हैं, और रिजल्ट अभी आप खुद भी ये वाला हिस्सा टच करके देखिए। नहीं सही में चिकना जैसा दिख रहा ना, ये लग रहा है फीलिंग तो हो रहा है वास्तव में। कुछ जो भी हम लोगों के प्रोडक्ट्स हैं ये जैसे डीप क्लींजर, पीलिंग जेल, फोम क्लींजर, इनकी क्वांटिटी लेसर लगती है लेकिन वहीं पे हम लोगों का जो मास्क है वो हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है, और वीकली एक बार कंप्लीट सेट, और रेगुलरली अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो फोम क्लींजर केवल यूज करिए, आपका आउटर एक्सपोजर नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है तो आप सिर्फ फोम क्लींजर से डेली वॉश सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, बट अगर आप डेली बाहर जा रहे हैं तो डीप क्लींजर के साथ फोम क्लींजर बहुत जरूरी है, और खास तौर से इस विंटर्स में बिकॉज इस समय स्किन ड्राई हो जाती है और जब हम सिर्फ फोम क्लींजर का यूज करेंगे ना तो स्किन आपकी और खिंची खिंची सी लगेगी, तो उसके लिए आप ऑयल वाले को यूज करके यानी डीप क्लींजर को यूज करिए। और कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि
ब्रश से यूज करें, इवनली आपका स्प्रेड होता है, वेस्टेज कम होता है। बट अभी हम यहाँ पे इसको ब्रश को अगर हाथ में क्रीम लेके हम लोग ब्रश से कर सकते हैं इसे। हाँ हाँ हाँ, एक क्वांटिटी लेकर के ब्रश से, जैसे पेंट ब्रश होता है, अगर वैसे तो कॉस्मेटिक ब्रशेस अलग आते हैं, या पेंट ब्रशेस को भी हम यूज कर सकते हैं, फिर वॉश करके आप अपना उधर यूज कर लें। उससे क्या होता है, ये इवनली स्प्रेड होता है, सूखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, टाइम नहीं होती है, और वेस्टेज कम होता है। इसको लगाने के लिए कोई डायरेक्शन का कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप स्प्रेड करिए। आंखों के एरिया को कभी भी हम इस पे कवर नहीं करेंगे, जो वो आंखों का, आंखों के लिए ऑलरेडी न्यूट्रिशन क्रीम है ना, आई क्रीम है, आईबॉल्स का जो एरिया होता है उसको छोड़ के फिर हम लोग करेंगे इसको। माहौल भी शादी ब्याह लग्न का है तो थोड़ा ज्यादा ही शाइनिंग आ गया मेरे चेहरे पे। और फील मास्क लगाने के बाद ये ध्यान रखें कि बोलना नहीं है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो ये मास्क जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे स्किन को आपकी रिंकल्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए कभी भी या तो हम अपना एटॉमिक का अगर फेस शीट मास्क यूज कर रहे हैं, या अगर हम फेस मास्क यूज कर रहे हैं, कभी भी बोलना नहीं, लगाइए बिल्कुल साइलेंट वे में। आप थोड़ी देर फैन चला के बैठ जाए, कभी भी ब्लोअर का इस्तेमाल ना करें इसको जल्दी ड्राई करने के लिए, या धूप में ना जाके खड़े हो जाए, क्योंकि जब हम सनलाइट के पास जाते हैं ना तो फिर इसका जो असर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये वर्किंग प्रोसेस में होगा, और जब आप इसको धूप के साथ करते हैं तो उसका असर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप खोल सकते हैं। हाँ, और अभी हमने सुशील जी को सूखने के लिए छोड़ दे। ये बीच में से नहीं, बीच में आप बीच में नहीं करो, फैन चला दो। उसके पीछे स्विच, मैं शायद एक बार यूज किया था, मेरी वाइफ इसको लगाई थी, लेकिन वो जेल के बाद इसका तो अलग फीलिंग है। हम लोग उसको ले सकते हैं इवनिंग केयर सेट से, और फिर उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि ये कैसे पील ऑफ किया जाता है। तो इनकेस अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सर प्लीज, ये होता है डेडिकेशन, जब आपका अपलाइन आपके साथ साथ उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और ये हम लोग के लिए भी मोटिवेशन है कि 100 है हम लोग, दैट इज वेरी गुड है ना, क्योंकि ये हमारा जो प्रोडक्ट है अभी रिसेंटली हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेडिंग पीरियड चल रहे हैं, आए दिन पार्टीज होती हैं, तो अगर आप वीकली भी एक बार इस कंप्लीट सेट को यूज करते हैं तो रेगुलरली सिर्फ डीप क्लींजर और फोम क्लींजर से आपका ग्लो बनेगा। सभी लोग अभी जान भी रहे हैं कि मैं 4 दिन से आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और सिर्फ फर्स्ट डे जब मैं अपने घर से निकली थी इवनिंग केयर का सेट अपने किया है, और अभी रेगुलरली सिर्फ डीप क्लींजर और फोम क्लींजर पे मैंने पूरी वेडिंग निकाली। तो ये है कि हम लोगों का प्रोडक्ट के लिए, हम लोगों के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, आपने कंप्लीट सेट यूज किया उसके बाद आपको खुद अपना ग्लो दिखेगा, बट प्रोडक्ट को यूज करने का सही तरीका आपको आना चाहिए।
सिर्फ लगा लिया, किसी चीज में डाल दिया और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको गलत तरीके से करें, है ना। तो इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखें, और किसी की कोई क्वेरी अगर तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए। सभी लोगों के मैसेजेस चैट बॉक्स में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ लवली कमेंट्स। प्लीज क्वेरीज भी अपनी डालिए। जिन भी लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पे, कोई भी पॉइंट उनका हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग अपनी बात को क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली हमारे साथ अनिरुद्ध भी ऑलरेडी कंटिन्यू पे हैं, वो भी डेमो कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं स्पेशली उन सबको कहूँगा बहुत अच्छी बात है, ये फीलिंग आप दे पाएंगे और ले भी पाएंगे, अपनी टीम को लाइव दे पाएंगे। सभी लोग का ओवरवेलमिंग प्रेजल देख के हमें भी अच्छा लग रहा है, और लिटरली सुशील सर ने भी कहा कि मेरे आने से उनको जो खुशी मिली है सेम मेरे साथ भी हुआ है। कहते हैं ना अनबिलीवेबल मोमेंट, कि आज हम लोग एक साथ हैं, वाकई अच्छा लग रहा है अपने डाउनलाइन को इस तरह से टॉर्चर करते हुए। किसी को कुछ भी लगता हो कि इवनिंग केयर से रिलेटेड आपको चाहिए कुछ भी क्वेरी प्लीज, क्योंकि अभी सूखने में एटलीस्ट 10 to 15 minutes, क्योंकि गर्मी का दिन होगा तो जल्दी सूख सकते। पूनम जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया, मैम कुछ आपका पर्सनल फीडबैक हो। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। देखिए मैम, मेरा तो फीडबैक बहुत अच्छा है, मैं तो दिन में 8-10 क्लीन अप करती ही हूँ मैम जी। हाँ, मेरे तो होता ही रहता है और सेम ऐसे ही करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है, और डेली ही करती हूँ, 3 से 4 इवनिंग केयर से मैं कर देती हूँ। और आप सब देख सकते हैं मैंने पार्लर में काफी सारा वो इवनिंग केयर का ये लगा रखा है सारा, और एब्सोल्यूट है, फेम है, इवनिंग केयर है, तो खुद के ऊपर भी करती हूँ, क्लाइंट्स के ऊपर भी करती हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने डेमो दिया कि जो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसको यूज कैसे करना है, तो आज के बाद उनको यूज करना आ जाएगा मैम। बिल्कुल। पूनम मैम, वीडियो आप ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि सबको बता पाए और अपना परिचय दे पूरा। जी जी सर। यस। हेलो हेलो, मैं पूनम शर्मा हूँ दिल्ली से, मैं बुटिशनर हूँ और मुझे 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं पार्लर रन कर रही हूँ, और मेरे पार्लर में आप सब देख सकते हैं मैंने एडमी का काफी अच्छा वो बना रखा है पूरा ही। वेरी नाइस। और चूंकि मैम का सिर्फ पार्लर है तो मैम को ये चीजें करनी है डेमो में, बट घर पे भी हम लोगों को इस तरह का डिस्प्ले रखना होगा। अगर हम अटॉर्नी में बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिना बोले रन करना चाहते हैं, बिकॉज कहते हैं ना कि कई बार आप जो चीजें बोल के किसी को बताते हैं वो बेटर होता है कि आप उसे करके दिखाइए। आपके घर पे कोई आ रहा है और आपके घर पे उसको कोई भी अटॉर्नी का प्रोडक्ट नहीं देख रहा, वो आप पर ट्रस्ट करेगा ही नहीं। बट अगर आपके घर के हर एक एरिया में उसको वो एक एक प्रोडक्ट दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे वाले कंज्यूमर हैं, तो आप बिना बोले उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्रॉप करते हैं। तो हम लोगों का यही मानना है कि बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत अच्छा होता है। चीजें रिफ्लेक्टेड वे में आपको काम करती हैं, तुरंत रिफ्लेक्शन हो सकता है या कुछ देर बाद, बट होगा रिफ्लेक्शन जरूर। और सर का क्वेश्चन था कुछ कि विंटर्स में कौन सी क्रीम हम लोग के लिए बेटर होगी। सर, विंटर्स में फेम क्रीम हम लोग की बहुत अच्छी है, और बॉडी के लिए हम लोग का बॉडी लोशन है। और फिर भी अगर कुछ अगर आपको चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी के अकॉर्डिंग है, 50 above age है 40 above age है, तो वहां पे आप एब्सोल्यूट के स्किन केयर को यूज कर सकते हैं। बट विंटर्स के लिए हम लोगों का फेम का सोल्यूशन बेस्ट,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की स्किन चूंकि ड्राई होती है, तो एक फेम के जो ये 5 सेट्स होते हैं ये खुद में अपने आप में एक ऑलराउंडर ब्यूटी का काम करते हैं। तो विंटर्स के लिए जिसका भी क्वेरी था सर, आई होप कि वो रिजॉल्व होगी। मैम ज्यादा ड्राई स्किन है तो न्यूट्री क्रीम इसकी फेम के सेट की हम लगा सकते हैं। वही मैंने बोला मैम, कंप्लीट सेट जो है वो प्रोसेस के संग हम करते हैं, अदरवाइज इवनिंग केयर सेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके पास सिर्फ न्यूट्रिशन क्रीम काफी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितने लोगों भी अभी मेरे स्टेटस को वॉच कर रहे होंगे उन लोगों ने एक फिनोमिनल चेंजेस देखे होंगे कि पार्टी लुक जो होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इवनिंग केयर था फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई लेफ्ट माय होम, और ड्यूरिंग द थ्रू आउट वेडिंग सीजन मैंने सिर्फ और सिर्फ सुबह डीप क्लींजर और फोम क्लींजर और उसके बाद सिर्फ न्यूट्रिशन क्रीम का और बीबी क्रीम थ्रू आउट द डे। बीच में कोई भी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ रिचुअल्स बहुत होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। एक बार जो हमने ड्रेसअप कर लिया, जो मेकअप कर लिया, वो ऑल अलोंग द डे हमारा रह रहा है। और इस वेडिंग में ना मैं आपको बताऊं कि पीपल नोटिस्ड मी, तुम तो हमेशा फ्रेश लग रहे, तुम तो लग रहे कि भाई अभी तैयारी होके चली आई। जो लोग ये जान रहे हैं ना कि शिखा रिलेट्स टू समथिंग न्यू ब्रांड एटॉमी, वो यही कहते भाभी का तो यही होगा। और यस, उसका पॉजिटिव रिस्पांस पड़ा है कि मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों की आईडीज मैंने लगाई थी, एंड यस ऑफ कोर्स वो लोग अब उन चीजों को मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तुमने क्या लगाया था। और क्योंकि मेरे पास, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एटॉमी का क्लिंजिंग ट्रैवल किट और फेम का ट्रैवल किट अपने पास रखा हुआ। तो क्लिंजिंग किट में अभी यहाँ पर तो नहीं है, ट्रैवलिंग किट जो है उसमें हर्बल हेयर शैम्पू है, बॉटल में है, हर्बल का आपका कंडीशनर है, बॉडी क्लिंजर है, लोशन है, और उसके अलावा आपका डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर। ये 6 का सेट आपका क्लिंजिंग ट्रैवल किट में है जो कि कंप्लीट एनएफ है। और उसके बाद फिर फेम का आपका 5 का स्टेप्स है, आपका टोनर है, आई क्रीम है, एसेंस है, लोशन है, एंड देन आपका न्यूट्रिशन। तो ये अगर आपकी ट्रैवलिंग किट आपके साथ में है ना, तो मैं तो अपने आप को कंप्लीट पैकेज महसूस कर रही हूँ कि मुझे और किसी भी मेकअप की जरूरत। मॉर्निंग में फेस क्लींस किया, फेम का सेट यूज करा, एंड देन स्मॉल ड्रॉप ऑफ बीबी क्रीम इज एनफ फॉर द थ्रू आउट राइट। तो सभी लोग को एटलीस्ट अपने लिए, या अगर कोई ऑन द वे है या किसी वेडिंग पार्टी में है और आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट्स का सैंपल ले, तो वहां पर आपके लिए ये ट्रैवलिंग किट्स बहुत जरूरी है। दोनों ट्रैवलिंग किट्स हमारे, आपको लगता है कि क्लिंजिंग के लिए आपको केवल रही चाहिए तो आप सिर्फ अपना ट्रैवलिंग किट रखिए, अदरवाइज फेम का भी अगर आप रखते हैं दैट इज वेरी एनफ फॉर अ कंप्लीट पार्टी कैरी ऑन। शिखा मैम एक हैंड रेज है, हम लोग ले लेते हैं। जी सर। आमिर खान, अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास आमिर जी। हेलो हेलो जी, बोले सर आवाज आ रही है मेरी आपकी? जी आ रही है, लेकिन पीछे से ज्यादा आ रही है सर आपकी कम। अच्छा जी सर, एक तो बोल दीजिएगा कृपया करके बताएं सर। हाँ जी सर, यस कोशिश हम लोग करें जब भी हम मीटिंग में हैं तो अगर हमारा ऑन है तो हमारा बैकग्राउंड नॉइज जो है वो लेसर टू लेसर हो, बिकॉज हमारे साउंड की वजह से ना सभी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अमित जी बोले, क्वेश्चन आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, तो मैम आप कंटिन्यू करें और हम लोग अब देख लेते हैं, हमारा सूख गया होगा आई थिंक। यस ऑलमोस्ट, ठीक है मैम, ओवर टू यू। तब तक हम
ट्राई करते हैं। मैं पूनम मैम को दोबारा से एक बार अनम्यूट करता हूँ। पूनम मैम हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। पूनम मैम प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। यस पूनम मैम, एक दो क्वेश्चन आपसे। जी सर। क्योंकि आप ऑलरेडी पार्लर में इवनिंग केयर और द फेम का फेशियल ऑलरेडी करते होंगे, क्या मुझे बता सकते हैं क्या फीडबैक, मतलब कि ओरिजिनली बिल्कुल फीडबैक जो भी कस्टमर हैं, क्या फीलिंग है, या इससे पहले जो भी आप देखो कहते हैं जैसे वो गोल्ड आता था और डायमंड या इस तरह के जो फेशियल आते थे, इनमें उसमें क्या डिफरेंस है? सर उनमें ये फर्क है, एक तो ये नेचुरल है और ये बहुत थोड़े थोड़े लगते हैं, और जैसे पहले हम फेशियल करते थे एक एक घंटा मसाज करते रहते थे तो बहुत टाइम बाद मतलब रिजल्ट दिखाई देता था, और इसमें मतलब 2 से 3 सेकेंड हम डीप क्लींजर करते हैं, उसके बाद क्लीन कर देते हैं, अंदर से जितना डस्ट होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, और मैं कॉटन से क्लीन करके क्लाइंट को दिखाती हूँ, और सर हाथों हाथ कस्टमर कहता है मैम हमारे को ये मंगा दो। फिर उसके बाद फॉर्म क्लींजर लगाती हूँ, तो जैसे कोई कस्टमर आया, किसी का काम कर रही हूँ तो थ्रेडिंग करी, उसके बाद डीप क्लींजर से क्लीन कर दिया, अंदर से डस्ट निकल गई। सर मुझे बताने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैं ये कंपनी है ये है, तो सामने ही रिजल्ट जो उनको दिखाई देता है तो सर उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और लोग मतलब एक बार कह देते हैं मैडम ये तो मंगाई ही दो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दिन में 4 से 5 मैं इवनिंग केयर के क्लीनअप करती हूँ, और आप देख रहे हो मेरे पार्लर में तो बाकी तो प्रोडक्ट साइड में ही पड़े हैं, उनको तो सर मैं यूज भी नहीं करती। मैम इसका चार्ज कितना लेते हो एटलीस्ट? सर पहले जैसे मैं इवनिंग केयर करती थी तो 1000 करती थी, अब फेम का साथ इंक्लूड कर लेती हूँ तो 1500 रुपए लेती हूँ सर। ओके मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और, मान लेते हैं हम O3 करा रहे हैं, O3 में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता पाए आप? सर O3 में मतलब ज्यादा प्रोडक्ट लगते हैं, काफी सारी चीजें यूज होती हैं, और वो नेचुरल नहीं है सर। Correct. और ये हमारा नेचुरल है, इससे हाथों हाथ रिजल्ट होता है, स्किन स्पा हो जाती है। अब जो पहले वाले फेशियल थे तो उससे तो जैसे हम करते रहते थे तो इमीडिएटली तो रिजल्ट दिखता था, लेकिन जो स्किन को क्लीन करना एकदम कवर करना वो नहीं हो पाता था, तो इससे सर काफी फर्क पड़ता है, स्किन टाइट भी होती है, ग्लो भी आता है, इवनिंग केयर से तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट है। Great, मैं काफी सारी पिक्चर्स लेती हूँ सर। राइट मैम। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल मैम, मैं यही सबको समझाना चाहता हूँ, अगर आपने किसी भी ब्यूटी पार्लर को जाके इवनिंग केयर और द फेम का डेमो करा दिया तो जो मैम ने बताया यहाँ पे गारंटीड शब्द है वो 100% समझ लीजिए पक्का हो जाना है, क्योंकि वो जो ग्लो दिखता है ना इंस्टेंट, और वो भी बहुत कम समय में, वो किसी भी प्रोडक्ट से आ ही नहीं सकता। करेक्ट मैम? जी सर। थैंक यू पूनम मैम, वंडरफुल आपका ये एक्सपीरियंस सबके काम आएगा, और अब हम ओवर टू उषिका मैम ताकि हम लोग अपना मास्क उतार पाएं, मैं और अनिरुद्ध और सुशील जी। बिल्कुल सर, सुशील जी तो अभी सूख रहे क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो फैन हम चला नहीं सकते, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और आपका एक बार आप चेक करिएगा ड्राई हो चुका है, बिकॉज यहाँ साइड का थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है। अच्छा ना, जो पूनम मैम ने कहा ये बहुत अच्छी बात मुझे भी लगी, क्योंकि फेशियल के लिए मैंने कभी अपना टाइम पार्लर्स में वेस्ट नहीं किया, बट मैंने लोगों को देखा है कि जब आप फेशियल के लिए जाते हैं ना तो जो भी आपका ओकेजन होता है उससे कम से कम 2 से 3 दिन पहले आप उस काम को कराने जाते हैं ना फेशियल के लिए, एंड ऑलमोस्ट 1 आवर आप मान लीजिए कि आपका जाना ही होता है। अभी आपके पास आप क्वेश्चन ले लीजिएगा, दो लोगों के हैं, मैं वो करता ना, अभी assumption हो रही है कि आपका जो facial पूरा complete time है around 5 minutes आपका deep cleanser का ले लीजिए maximum, 5 minutes आपका foam cleanser में, 5 minutes आपका peeling gel में, और लगभग 15 minutes, मतलब आपका 30 minutes में आपका complete facial look तैयार और instant। यहाँ पे आपको किसी भी 3 दिन का वेट नहीं करना, अगर आपको आज के आज वेडिंग अटेंड करनी है, बर्थडे अटेंड करने हैं, एनीथिंग ऑफिशियल पार्टीज है, आप इमीडिएट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए 1/2 घंटे का, एंड देन यू कैन डू द फेशियल के विद, और रिजल्ट आपके सामने। और मैम
हेलो जी जी मैम जी मैम, जैसे कई क्लाइंट्स की क्या होता है, स्किन ड्राई होती है, जैसे हम पील ऑफ मास्क लगाते हैं तो स्किन कई लोगों की खिंचती है, तो हम उसके बाद मैम एसेंस अगर क्लाइंट को बता दें कि अगर हम अपना एसेंस यूज करें तो मैम उससे और अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल, तो ये चीज भी आप लोग एडेड ऑन कर सकते हैं कि जिन लोगों की ड्राई स्किन है, जिन लोगों की स्किन का मॉइस्चर कम होता है, तो हम अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो एसेंस होता है, जैसे ब्लू कलर की बॉटल मैम शो कर रहे हैं, उसको आप लगा लीजिए, तो वो आपकी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेट करेगा और वो जो आपकी खिंचने वाली चीज है ना, वो आपका कम हो जाएगा। थैंक यू पूनम मैम। और अभी हम लोग सुशील सर का चेक कर लेते हैं। जी मैम। किसी का एक क्वेश्चन किसी का था, महादेव जी। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम, मैं अंजू। जी जी मैम, बताइए। मेरे को एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। बताइए ना। ये जो अपने मतलब कि चेहरे पे दाने दाने से निकले हुए हैं अपने क्लाइंट के, और उनमें ब्लड भी थोड़ा कम है, तो क्या ये इवनिंग केयर सेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, लेकिन अगर ब्लड कम है तो आपको वहां पर पॉमीग्रेनेट सजेस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज ब्लड कम होना फिजिकल जो प्रॉब्लम है, आपकी इंटरनल बॉडी में ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से ये चीजें हैं, बट इवनिंग केयर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं आराम से। दानों के लिए तो इवनिंग केयर बेस्ट है, अपन ये सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डीप क्लींजर है ना। हाँ जी। मेन जो फंक्शन होता है वो कैसे रिलीज होता है, वो ऑयल पैड्स होती है, वो आपकी बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन करने लगती है, और उसमें जब डर्ट एंड जो भी चीजें बनती है ना, गंदगी होती है, तो वो आपका मुहासे या एक्नेस जो उनको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो डीप क्लींजर से जब हम करते हैं ना, तो जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है वो आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका जो ये एक्ने वाली और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है ये खत्म होगी। जिन लोगों को एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, उन लोग के लिए सजेशन ये होगा कि जब भी हम लोग अपने हाथों के स्ट्रोक्स को फेस पर देते हैं ना, उन पिंपल्स को बहुत ज्यादा रगड़ते हुए न करें, सिंपली जेंटल तरीके से डायरेक्शन में करते ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके हार्ट स्ट्रोक्स की वजह से वो पिंपल्स जो है वो रप्चर हो जाए, उसका जो पस होता है वो स्प्रेड कर जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है तो वो फैलने के चांसेस भी होंगे, अलग ना, करने का तरीका मैटर जो होता है वो अलग होता है कि आप उसको कर कैसे देंगे, केस कैसी है, और थोड़ा जल्दी और रेगुलर ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा भी देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके मैम। और मैम क्वेश्चन और, हेलो जी जी बताइए। मैं मतलब कि अपन जो नॉर्मल फेशियल करवाते हैं पार्लर से, तो उसमें ब्लीच होता है, अपने इसके अंदर ब्लीच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम? देखिए, हम करते हैं किस लिए, ब्लीच से आपका कुछ भी स्किन टोन पे फर्क नहीं पड़ता है, ब्लीच आपका काम करता है जो भी आपके हेयर्स होते हैं ना, आपके और जो भी स्किन टोन कलर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लीच ज्यादा फेस के लिए नुकसान करता है, तो ब्लीच तो हमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप फेशियल करा रहे हो या नहीं करे। नहीं, कई लोग पूछते हैं कि हम नॉर्मल पार्लर से फेशियल करवाते हैं तो उसमें ब्लीच कंपलसरी रहता है, तो क्या इसमें भी ब्लीच कंपलसरी है क्या, तो नहीं, मतलब नहीं। क्या जवाब दें उसके लिए? आप बेटर है कि जो अलग से हम लोगों के एक्सफोलिएटर्स आते हैं उनके से कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लीच का यूज बंद कर दे, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हम लोग के स्किन के। ओके मैम, है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और अनुपमा जी का एक क्वेश्चन था,
कि आप कितनी बार यूज करेंगे। तो मैंने अभी यूज करते समय आपको बताया कि अभी विंटर्स के डे में डीप क्लींजर और फोम क्लींजर आप रेगुलर वे में रखें, अगर स्किन आपकी ज्यादा ड्राई है तो, और अगर मिक्स है तो सिर्फ फोम क्लींजर आप डेली करिए और डीप क्लींजर को अल्टरनेटिवली कर सकते हैं। और कंप्लीट सेट का यूज आप वीकडेज में कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए आधे घंटे का समय एटलीस्ट हो, उस समय ये करें, क्योंकि इस कंप्लीट हाफ एन आवर के लिए आपके पास हाफ एन आवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मास्क लगाया तुरंत निकालना शुरू, क्योंकि जब वो मास्क चिपका हुआ रहेगा ना तो उसको हटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम उसको पील ऑफ करते ना वो सही मायने में आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे और अब हम लोग सर का मास्क पील ऑफ करेंगे। दीपाली मैम को मैं ले लेता हूँ। अच्छा मैम कंटिन्यू कीजिए। जी जी, कभी भी हम लोग जब पील ऑफ मास्क यूज कर निकालना के लिए करते हैं तो हमेशा किसी भी एक एज से, बीच से निकालना कभी भी नहीं, आंखों के पास से निकालना कभी भी नहीं, और ना ही नोज के एरिया या चिन के एरिया से, हमेशा फेस के ये वाले हिस्से से या इन हिस्सों से, पर अगर आप प्रेस करते में थोड़ा सा प्रेशर लगता भी है तो नुकसान नहीं करेगा। ये आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए, इवनली जब स्प्रेड होता है और अच्छे से ड्राई हो जाता है तो ये पूरा शीट मास्क की तरह निकलता है। और इन मास्क का सही से निकलने का मतलब ही है कि आपका जो पील ऑफ मास्क है आपने सही से सही लगाया है। ये देखिए पूरा फेस की तरह निकला हुआ था, और बाकी ये जो थोड़ा बहुत रहता है गीले टॉवल से हल्का हल्का, पूरे चेहरे पे नहीं, नहीं नहीं बस जहाँ पे आपका लगा हुआ उसको वो, क्योंकि अगर हम पतली लेयर होती इसलिए चिपका रह जाता है। और फिर टॉवल से एक बार कंप्लीट एक बार पोंछ लीजिए। मेल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, फिर कह देंगे कुछ लोग नहीं सबके लिए नहीं है, सॉरी बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। जस्ट दीपाली मैम कुछ बोलना चाह रहे थे, तब तक मैं ले लेता हूँ ताकि दीपाली मैम। या थैंक यू वेरी मच सर अनम्यूट करने के लिए जी, एंड सभी को नमस्कार। सर मैं एक तो मेरा क्वेश्चन मैम से था कि जो मास्क है इसका लेयर बहुत मोटा लगाने की जरूरत तो नहीं है सर, क्योंकि आपका लेयर बहुत पतला था और है ना मैम ने थोड़ा सा थिक यूज किया था, तो वो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना मैम? नहीं मैम, लेयर मोटा नहीं होना चाहिए, लेयर इवनली स्प्रेड होना चाहिए। ओके जी 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 जी, इफेक्ट तो सेम आएगा ना पतला लेयर भी जी। बहुत जी, लेयर जैसे हम लोग ब्रश वगैरह से लगाते ना तो बिल्कुल पतली लेयर भी प्रॉपरली तरह नहीं निकलता जी जी जी।
का मोटा लेयर अगर हम रखते हैं ना तो वो पील ऑफ करने में आसानी होती है, और किसी भी पील ऑफ मास्क का जो बेस्ट तरीका होता है निकालने का वो इसी तरीके से शीट मास्क की तरह निकलना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि पोर्स को मिनिमाइज तभी होगा जब वो शीट की तरह रिमूव होगा। एग्जैक्टली जी जी। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी सर, आज ही मैंने मेरे बेटे की हेयर कटिंग कराती हूँ, मेल वाला पार्लर है जमील भाई, उनको आज मैंने इवनिंग केयर का सेट दिया, और उनका रिव्यू ये था जब मैंने उन्हें समझाना शुरू किया कि एटॉमी का है, आप ये ना सोचे कि मतलब ये रेट इतना है, बोलते नहीं मैम आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट देख करके मुझे फील आ रहा है। तो मतलब एक होता है ना जब ऐसा रिव्यू हम सुनते हैं किसी अननोन से, और वो अक्सर देखते रहते हैं, उन्होंने मेरी स्किन पे बहुत अंतर देखा है। सर एक आपने प्रश्न मैम से किया था, पूनम मैम से, O3 और इवनिंग केयर का इफेक्ट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पहले मैं O3 का फेशियल करवाती थी, मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज थी, उसका इफेक्ट सिर्फ ये होता था कि 3-4 दिन बहुत अच्छा दिखता था O3 के फेशियल के बाद, लेकिन बाद में वापस से स्किन का टोन वही हो जाता था और रफ होता था, ग्लो भी नहीं होता था। इवनिंग केयर का जो इफेक्ट मैंने खुद ने फील किया वो एक लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है एंड वो हमेशा रहता है। ये दो चीज मैं शेयर करना चाहती थी सभी से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा पूनम मैम को तो एक कॉम्प्लीमेंट है, मैम आपका बहुत अच्छा स्किन का टोन हुआ ये एटॉमी के प्रोडक्ट यूज करके, क्योंकि मैंने बिफोर वाला पिक आपका बहुत अच्छे से देखा हुआ है जो पहले अवतार सर ने शेयर किया था, और अभी बहुत चेंजेस आप में आए हैं। तो ये जो हम लोगों के अंदर जो चेंजेस आए हैं एटॉमी के इवनिंग केयर एंड फेम को यूज करके, फिर जो हम फेथ को डुप्लीकेट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो मैं फील्ड में देख रही हूँ। किसी को भी अगर मैंने बताया तो लोग जब नोटिस कर रहे हैं उसको, तो उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट जा रहा है। अभी मैंने इवनिंग केयर के ऑफर में तीन अपना लगाया था। अच्छा एक और स्नेहा जी यहाँ पर है, मेरे टीम की न्यू मेंबर है, उन्होंने अपनी भांजी को दिया, उसके पूरे फेस पे एक्ने थे, उसने इवनिंग केयर 3-4 दिन यूज किया और उसका रिव्यू आया है कि मतलब ये सेट इतना ज्यादा इफेक्ट है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगा, इवनिंग केयर और हाइड्रा ब्राइटनिंग दिया हमने उन्हें कि इसको प्रोडक्ट को यूज करने से, और जो पहले एक्ने का कलर ब्लैक होता था और कुछ अजीब सा फेस था, बोले अब सब में ना रेडनेस आ गया है और हमें खुद को लग रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ 3 or 4 days के यूज के बाद उन्होंने ये रिव्यू शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे प्रोडक्ट्स के, एटॉमी के प्रोडक्ट्स के इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बस जरूरी ये है कि हम फैल जाएं और सब लोगों को बता दें इसको। तो मेरी टीम अनुपमा जी, स्नेहा जी एक्टिव हैं और मतलब एग्रेसिवली कर रही हैं और बहुत अच्छे से इवनिंग केयर, रानी मैम ने 3 इवनिंग केयर सेट का ऑर्डर लगाया था और वो सक्सेसफुली सेल भी कर पा रही हैं, तो बहुत खुशी होती है ऐसे में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये 4 स्टेप में चेहरे पे हुआ है और सच में मतलब फीलिंग बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट। अभी मैं एक स्किन शेयर करूंगा जो जस्ट बिफोर और आफ्टर वाली, ज्यादा अंतर तो नहीं दिखेगा फेयर के कारण, लेकिन फिर भी दिखेगा, लेकिन फीलिंग गजब की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लग रहा फैन ऑफ है लेकिन लग रहा है कि अंदर एकदम अंदर तक हवा जा रहा है, इस टाइप का फील हो रहा है। इसका मतलब कि मास्क जो था शायद सारे पोर को ना ओपन कर दिया होगा, ये हुआ होगा। तो जबरदस्त फीलिंग है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थैंक यू शिखा जी, जबरदस्त तरीके से ये सभी देखे। अच्छा पील ऑफ मास्क फर्स्ट टाइम एक बार लगा था मेरे पे, लेकिन वो कई टुकड़े में निकला था, लेकिन आज मैं सीखा कि वो एक ही में निकलना चाहिए, तो अपना बढ़िया काम किया रहता है वो। करेक्ट। उसमें सर इफेक्ट भी दिख रहा है अरुण सर का और आपके फेस पे ना, बिफोर और आफ्टर वाला इफेक्ट हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं, शायद सभी लोग कर पा रहे होंगे, इफेक्ट शो हो रहा है। मैं शेयर करके हम लोग फोटो शेयर करेंगे सबको। जी जी, दोनों लोग और इवन अनिरुद्ध भी है हमारे साथ, अनिरुद्ध भी होंगे। अगर आपके स्किन पे आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राई जैसा लग रहा है, तो हम लोग एटॉमी का जो फेम का न्यूट्रिशन क्रीम है तो कोलाज भी बना दिया है। हां सर, बहुत और आप लोग देख सकते हैं। और ये नहीं है, दोनों सेम पोजीशन पे फोटो है, पीछे पर्दा देख लीजिए, दोनों में है कुर्ता भी। यस एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे वो फोटो खींची गई है,
यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, अगर आप सबको लग रहा है कि सुशील सर का इम्पैक्ट मतलब कुछ इम्प्रूव हुआ है, तो जरूर चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिखिएगा ताकि हम लोगों को भी एक अच्छा लगेगा और अन्य